हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इमेज पोजीशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म होती है। सेम एज इसी तरह से स्फेरिकल मिरर के थ्रू भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हम एग्जांपल लेते हैं एक स्पून का। स्पून का जो सरफेस होता है उसे आप ट्रीट कर सकते हो कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर के जैसा। तो ये एक पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। इस पिक्चर में देख सकते हो आप कि किस तरह से एक स्पून के सरफेस पर एक गर्ल की इमेज फॉर्म हो रही है। तो सेम आप भी स्पून में अपनी इमेज को देख सकते हो। अब इस पहले पिक की बात की जाए तो इसमें जो गर्ल की इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड हो रही है। सेकेंड पिक में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्ट्रेट फॉर्म हो रही है। बट प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर के केस में हम जानते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है वो रिएक्ट होती है। तो डिफरेंस ये है कि स्फेरिकल मिरर के थ्रू जब इमेज फॉर्म होती है तो उसकी कुछ अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे कि इमेज का साइज क्या होगा। कभी इमेज लार्ज हो सकती है तो कभी इमेज स्मॉल हो सकती है, कभी इमेज इन्वर्टेड हो सकती है तो कभी इमेज स्ट्रेट हो सकती है। तो इन कंडीशन के लिए हमें जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करना होता है या रखना होता है। तो इसकी कुछ कंडीशन है जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन को स्टार्ट करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोन के मिरर के सामने इंफिनिटी पर रखा हो। केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट वी टेक अ कॉनकेव मिरर। अब स्टूडेंट, इस मिरर के सामने जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा तो मानते हैं कि अगर उनसे लाइट रेज आ रही है तो वो लाइट रेज मिरर के पास आते आते प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से एक लाइट रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि स्टूडेंट कहां से होकर जाएगी, फोकस से। तो इसी तरह से ये कुछ लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सभी फोकस से होकर जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्ट। अब ये सभी लाइट रेज आप देख सकते हो कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस, या जो किससे डिनोट हो रहा है, फोकस से। तो इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है इसकी इमेज इस पॉइंट पर फॉर्म हो रही है, जिसे क्या बोलते हैं, फोकस। तो हम कह सकते हैं कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एट प्रिंसिपल फोकस, मतलब इंफिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पर होगी। दूसरा नेचर, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। थर्ड साइज, मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस साइज से इमेज हमारी बहुत ज्यादा स्मॉलर होगी। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। टेक अ कॉनकेव मिरर, इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब स्टूडेंट, आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो इस पॉइंट के पीछे रखना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ईवी, इससे कुछ लाइट रेज निकल कर आएंगी। तो ये एक लाइट रेज जो फोकस से ऊपर जाएगी। फोकस से ऊपर क्यों जाएगी ये, क्योंकि ये जो लाइट रेज आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाए। इस कंडीशन में ये दोनों लाइट रेज इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती है, तो जो इमेज है वो भी यहीं पर फॉर्म होगी। ये पॉइंट कहाँ पर है, सी और एफ के बीच। तो अगर इमेज की पोजीशन की बात की जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये जो ए डैश बी डैश है वो इस इमेज को शो कर रहा है कि हमारी इमेज सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी। नेचर, इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। साइज, साइज इमेज का स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से,
इस केस में भी जो हमारा साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा स्मॉल। इसे एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आप इस पिक को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिक में ये जो कैंडल है इसकी इमेज मिरर के अंदर इन्वर्टेड बन रही है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इन्वर्टेड। जब कोई इमेज उल्टी बने अपोजिट बने तो ये क्या बोलेंगे हम इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस कैंडल की तरह की होगी। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हो क्या रहा है स्टूडेंट कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम धीरे धीरे इमेज मिरर के पास लेते हुए आ रहे हैं। तो लेट्स टेक अ मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अब इस कंडीशन में इस सी पॉइंट पर होगा। ए बी एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक पहली लाइट रेज निकलेगी जो फोकस से होकर जाएगी, एक और ट्रेवल करेगी जो फोकस से होकर आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस कंडीशन में क्या हुआ कि दोनों लाइट रेज यहाँ मीट की, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा इमेज भी अब हमारी यहीं पर फॉर्म होगी। तो ये इमेज फॉर्म हुई ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा था तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो भी कहाँ पर हुई है सी पर हुई है। तो इमेज की पोजीशन के बारे में क्या कह सकते हैं, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट नेचर, नेचर कैसा होगा, इमेज जो है वो अभी भी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर साइज में चेंज हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा तो सी पर ही फॉर्म होगी और जिस साइज का होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी उसी साइज का। ये थर्ड केस था हमारा। अब नेक्स्ट केस की बात करें तो केस नंबर फोर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो। तो लेट्स टेक अ मिरर इट्स प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सी और एफ के बीच में रखना है, तो रखते हैं हम ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट ए बी, ये लाइट रेस ट्रेवल करती हुई जाएगी तो फोकस से ऊपर निकलेगी, फोकस से ऊपर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि दोनों लाइट रेस यहाँ पर मीट कर रही है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कहाँ होगी इसी पॉइंट पर। अब इस पॉइंट को देखा जाए तो ये कहाँ पर शो हो रहा है इस सी के पीछे इस तरह से। तो ये इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश का जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। पोजिशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम कह सकते हैं कि जो इस कंडीशन में पोजीशन होगी इमेज की वो सी के पीछे होगी। नेचर, इमेज का जो नेचर है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, बट अब साइज में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर साइज क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जब स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म होती है तो वहां पर साइज क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कभी लार्ज होगा तो कभी स्मॉल होगा, कभी इमेज इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी। तो अभी तक आप देखते आ रहे हो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड हो रही है। अब एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि जहां पर जो इमेज है वो स्ट्रेट फॉर्म होगी। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं पॉइंट फाइव व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस पोल फोकस एंड कर्वेचर। अब हमको इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना है, तो ये रखते हैं हम ऑब्जेक्ट ए बी फोकस पर, ये लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी, देन एक मिरर के पास सेंटर से होकर निकल जाएगी, तो इस तरह से एक लाइट रेज इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट कि आप देख रहे हो दोनों लाइट रेज बैक बर्ड हुई है पर आगे चलकर ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, मीन हम कह सकते हैं कि दोनों लाइट रेज कैसी है पैरेलल है। अब ये आगे कहीं पर भी मीट नहीं करेगी तो इमेज हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, मतलब ये आगे जाकर कहीं पर भी इंफिनिटी पर फॉर्म कर सकती है या मिल सकती है मीट कर सकती है। तो इस कंडीशन में पोजिशन क्या होगी इमेज की एट इंफिनिटी, क्यों होगी, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल वन अनदर, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के क्या है पैरेलल। नेचर कैसा होगा,
नेचर जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी, और हमें लाइट रेज का पता नहीं है कि किस तरह से वो मीट कर रही है। साइज की बात की जाए, द साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज, जो इमेज का साइज होगा वो अब इस कंडीशन में क्या होगा, पहले के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा, मतलब पहले से भी ज्यादा लार्ज होगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड फ्लो। इस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लो और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, दिस इज अ मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, फ्लो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इस एफ और पी पॉइंट के बीच में, तो ये हमारा एक ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइन निकलेगी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और फोकस से होकर ट्रेवल करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद सेम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई बैकवर्ड या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड रे है उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है आगे, तो आगे की तरफ तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये और दूर होती जाएगी, ये वाली लाइट रेज और दूर चली जाती जाएगी। इनको अगर बैक साइड में मिलाया जाएगा, तो इस तरह से हम डॉट डॉट करके बैक साइड में अगर मीट करें तो ये यहाँ पर मीट करेंगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज है वो मिरर के पीछे फॉर्म होगी इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा ऑब्जेक्ट था, इस ए बी की इमेज मिरर के बैक साइड में फॉर्म हो रही है। तो पोजीशन की बात करें तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द मिरर, इस कंडीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर के पीछे होती है। नेचर द इमेज इज वर्चुअल, अब इस कंडीशन में जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सभी पांचों कंडीशन में जो इमेज थी वो रियल। साइज इमेज इज स्ट्रेट एंड लार्ज, अब यहाँ पर जो साइज होगा इमेज का वो सीधी होगी, स्ट्रेट होगी और ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, लार्ज। एक पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर, नेचर द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मीनिंग होता है कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट ना करकर हमें अपियर होती है मीट करती है, तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। एक पिक देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस पिक में आप देख सकते हो कि एक जो कैंडल है स्मॉल वाली वो मिरर के सामने फोकस और पोल के बीच में ही रखी हुई है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आप जो इमेज देख रहे हो इस कैंडल की वो स्ट्रेट है, और लास्ट इमेज लास्ट पिक में जो आपने इमेज देखी थी वहां पर इन्वर्टेड थी, और यहाँ पर जो साइज है इमेज का वो इस कैंडल की कंपेयर में लार्ज हुई है, तो इसी तरह से इमेज फॉर्म होगी इस मिरर के सामने। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू स्टूडेंट।